आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे चमका कर रखें, और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। मैं हूं प्रियंका संभव, मनी नाइन आप देख रहे हैं। और क्रेडिट स्कोर खराब होने के कई नुकसान हैं, जैसे बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है या फिर आपसे लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे आपका सिबिल स्कोर ठीक किया जा सकता है, यानी एक बार खराब हो गया तो इसे आप ठीक कैसे करें, ये समझिए। बिल्कुल भी इस बात को लेकर के आप अपने आप को कोसिए नहीं कि अब खराब हो गया, अब क्या होगा, अब लोन नहीं मिलेगा, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इसे सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। और कैसे हो सकते हैं ये इम्प्रूवमेंट, कौन से वो टेक्निक्स आपको अपनाने होंगे, कौन सी वो अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो इसको सुधारेंगी, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आई लोन्स के सीईओ राजीव दास। वेलकम टू मनी नाइन राजीव, थैंक यू आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम आगे बात करेंगे कैसे सुधारें, पर पुअर क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी में कितना स्कोर आता है? लोएस्ट तो 300 होता है क्रेडिट स्कोर में, तो 300 से लेकर कौन से मार्क्स जो हैं वो मेरे लिए बैड क्रेडिट स्कोर डिफाइन कर रहे होंगे? देखिए, ये तो इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन के ऊपर वेरी करता है, बट एक जनरल ये है कि अगर आपका स्कोर 600 से बिलो है, कोई इंस्टीट्यूशन में 620, कोई इंस्टीट्यूशन में 650 के बिलो, तो इट वेरीज फ्रॉम बैंक्स, बट 600 के बिलो का जो भी क्रेडिट स्कोर होता है इसे खराब माना जाता है। इसमें बेसिकली तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पे भी आपका रिपेमेंट ट्रैक हिस्ट्री खराब हो गया है, या फिर आपने कोई लोन पे डिफॉल्ट किया है, या फिर कोई ओवरड्यू चल रहे हैं, आप कोई भी आपकी ओडी सीसी लिमिट्स कहीं पे भी आपका बहुत सारा ओवरड्यू चल रहा है पैसा, तो इसमें आपके स्कोर को इफेक्ट हुआ है। ओके, तीन चीजें, आपने लोन का ठीक से रीपेमेंट नहीं किया है, यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, कहीं ओवरड्यू चल रहा है, कहीं कोई डिफॉल्ट किया है, तो ये तीन बातें जो हैं आपको 300 से 600 की रेंज में ले आएंगी, तो पुअर क्रेडिट स्कोर है। थोड़ा और डराते हैं, जिस व्यक्ति का एक खराब क्रेडिट स्कोर है उसे एक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति के सामने लोन के ब्याज पर कितना परसेंट ज्यादा देना पड़ सकता है? अगेन आई ऑलवेज से दैट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जो होती है, जो अच्छा क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति, आई एम जस्ट गिविंग वेरिएबल, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कोई अच्छा क्रेडिट स्कोर वाला है वो आपको 15% या 13% टू 15% के बीच में आ जाएगा, क्योंकि आप अच्छे कस्टमर हैं। अगर आपका स्कोर खराब है और बैंक वाले फिर भी सोच रहे हैं कि सिंस आपका पुराना स्कोर खराब था बट नाउ यू हैव बेटर इट ऑफ, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस अच्छा हुआ है एंड दे वांट टू टेक अ कॉल ऑन यू, जो रेंज होगा करीब आपको 20 से 30%, मतलब करीब 8 से 10% का आपको इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज दे आर टेकिंग अ हायर रिस्क ऑन यू। तो आप ये पर्सनल लोन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हाई रेंज तो जो कि एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आपको जो है 8 से 10% का अंतर होगा। और अगर मैं एक होम लोन जैसे सिक्योर्ड लोन की बात करूं तब क्या फर्क होता है? तभी भी करीब 3 से 4% का फर्क रहता है। अगर नॉर्मल कस्टमर को आप, अगर अच्छे कस्टमर है, अदर ही इज अ वेरी गुड क्रेडिट वर्थिनेस कस्टमर, उसको आप 8.5-9% में जो लोन देंगे, यही लोन वो आपको 12.5-13% के आसपास जो भी है इंस्टीट्यूशंस वो कॉल लेंगे। And also they will be very careful on the property value. जहां पे एक normal अच्छे customer को वो 80-85% 90% तक आपके home loan, जो आपकी जो property का worth है उसका finance कर सकती है, यहाँ पे क्योंकि आपका credit worthiness अच्छा नहीं है तो they will restrict the LTV to 60%. मतलब suppose आपने 1 crore की property ली है, normal customer को आप वो 90 lakh तक का loan दे सकती है, but आप क्योंकि since आपका एक past history खराब रहा है, banks 50-60 lakhs में आप पे आपको restrict करेंगे। तो आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, आपको कम राशि का लोन मिलेगा, ज्यादा ब्याज उस पर आप दे रहे होंगे। सो नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सुधारें क्रेडिट स्कोर को, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि कुछ फाइनेंशियल बिहेवियर हैं जो आपको इस पुअर क्रेडिट स्कोर के जाल से निकाल सकती हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी सिंस आपने ऑलरेडी रिपेमेंट हिस्ट्रीज में आपने प्रॉब्लम किया है, पुराने डिफॉल्ट्स किए हैं, पुराने सेटलमेंट्स किए हैं, सो व्हाट यू शुड डू बेसिकली इज दैट आपको घबराना नहीं चाहिए, इसे एक टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने कोई नया लोन लिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इट वेरीज बिटवीन 4 to 12 months, 4 से 12 महीने में आप अपनी स्कोर सुधार सकते हैं। आप अगर कोई अच्छे अच्छे लोन्स लेते हैं, जैसे आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स ले लिया जो छोटे छोटे लोन्स है, या फिर आपने एक मॉर्गेज लोन ले लिया और आपने ट्रैक रिकॉर्ड आपने ठीक रखा है, सो बेसिकली इफ द 12 months ट्रैक रिकॉर्ड इज परफेक्ट तो ये आपका क्रेडिट स्कोर में करीब 35% का वैरी करेगा। अगर आप 60% आप 600 के स्कोर में है
आई एम टेलिंग यू बिकॉज अगर आप सेटलमेंट कर चुके हैं और आपकी पास हिस्ट्री खराब रही है, तो 4 से 12 महीने में अगर आपने सब ठीक से किया तो आप 670 680 के स्कोर पे पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीधा 750 पहुंच जाएंगे, बट इट विल ट्राई टू इम्प्रूव, और ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स आप 720 715 के स्कोर में पहुंच सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही रहा। यानी एक बार खराब हुआ तो 4 से 12 महीने आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और फिर वो ऊपर आना शुरू होगा। लेकिन अगर एक बार मैं लोन में कोई डिफॉल्ट कर दूं या क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट नहीं करूं, तो ये कितना इम्पैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर को? देखिए अभी इट वेरीज। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो रीपेमेंट शेड्यूल्स रहती है बेसिकली 30 डेज का रहता है, या ईएमआई जैसा, सॉरी क्रेडिट कार्ड का 45 डेज रहता है और ईएमआई का 30 डेज रहता है। तो मैं हमेशा कस्टमर को यही हमेशा समझाते रहता हूँ कि अगर आपका ईएमआई आप एक पर्टिकुलर डेट्स में आप इजीली कंफर्टेबल है तो आप उसको ईएमआई के डेट्स को शिफ्ट कर दीजिए, या फिर आप क्रेडिट कार्ड जो है संभाल के यूज कीजिए। मैं आई एम बैंकर माई सेल्फ, तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हमेशा ये नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड हर जगह कैरी करें और आपका जो बजट के हिसाब से यू गो ओवर बजट। सो हमें हमेशा लगता है कि सपोज आई वॉन्ट टू परचेज समथिंग एंड यू फील दैट आई हैव अ क्रेडिट लिमिट एंड आई शुड यूज इट, इट इज नॉट दैट इट इज ऑलवेज फाइनेंशियली वायबल। तो सोच समझ के खर्चा करें, जो आपके आपका जो बजट है, आपकी जो टाइमिंग्स है, आपकी जो लिमिट्स है, वो आप सोच के एक बजट बना के उस हिसाब से आप खर्चा करें और टाइमली रीपेमेंट करें। ओके, सो अच्छी फाइनेंशियल हैबिट आपके क्रेडिट स्कोर को बनाती है, खराब बिगाड़ती है। और क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल यहाँ पे राजीव जी ने दिया, और राजीव मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जो है एक्चुअली में कल्प्रिट भी है और ये आपका दोस्त भी होता है, क्योंकि आप अगर क्रेडिट कार्ड से सही समय से पेमेंट करते रहेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर को भी वो बिल्ड करते रहता है। लेकिन राजीव ने ये बताया है भाई कि एक बार खराब हो गया ना तो ऑलमोस्ट 4 से 12 महीने उसे सुधारने में लग जाएंगे, इससे खराब भी मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच राजीव, आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। तो क्रेडिट स्कोर से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन हमें भेजते रहिए, हम और एक्सपर्ट्स को ला करके उनके जवाब भी देंगे, अपने लाइव शो में भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन आप क्रेडिट स्कोर को लेकर के सावधान रहिए, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट से इसे सुधारते रहिए।